जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने शुक्रवार को चौरी चौरा तहसील में दुदही प्राथमिक विद्यालय में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आयोजित स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य विभागों के कैंप में कहा कि ब्लॉक स्तरीय आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं गाँव के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि कोरोना संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा समय समय पर अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहें। जिलाधिकारी ने गांव के प्रधान को निर्देशित किया कि आने वाले सभी प्रवासी व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध किया जाए तथा निगरानी समिति द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वह बाहर निकलकर गांव में घूमने ना पाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि आपस में विवाद ना करें, जो भी समस्या है उसका राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। ये डीएम साहब ने एक पहल की है कि हम ब्लॉक ब्लॉक जा करके ये एक संदेश दे रहे हैं। हालांकि हमें भी पता है यहाँ पर 100 से 200 लोग हैं और ब्लॉक की आबादी तो हजारों में है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हम जो 100 लोग या 200 लोगों को बता रहे हैं, वाला मोबाइल फोन जैसे घूम रहा है वैसे कोरोना घूमता है, आदमी के साथ साथ घूमता है। तो मैं यहाँ पुलिस की दृष्टि से थोड़ा यही बताऊंगा कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, जो आपको पता है कि रात में 7 बजे के बाद ज़्यादा घूमना आप लाएंगे संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए हमें कुछ दिनों तक, जब तक कि ये ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, आप दिल्ली सुन रहे होंगे अब तो 10,000 रोज के लगभग केस आ रहे हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये अलग बात है कि उससे 90% लोग, 80% लोग ठीक हुए जा रहे हैं, लेकिन वो 20-22 साल से लेकर के सभी उम्र के लोगों को चपेट में ले रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी कैसे भी फैल रहा है कई बार पता नहीं चलता। तहसील से कौन आया भाई? राशन कितने लोगों का दे दिए, कितने का रह गया? 42 लोगों का मिला है। 42 लोगों का रह गया है, परिवार का एक मिलेगा, है ना? 42 लोगों को मिल गया है, बाकी से सारा है। बरसात के पहले छूट करिए, फिर बरसात के समय में भी वैसे यार कोई सिंचाई विभाग का नाला है, नाले का सर हम NOC के लिए NOC मिल जाएगा।